Cotton Guru with full support from IMC and City as our mission partner, FSII, the Federation of Seed Industries of India, as our farmer partner, and Edelweiss as our forex partner. During the course of the conclave, I will tell you how these partners have played a pivotal role in transformation that has been coming in the cotton and the textile industry, and why all of us together are here today, and what difference we can make to the situation that we have today. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukh bhag bhavet. Om shanti 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 hi. Ek choti si film आपको दिखाना चाहूँगा कि what difference does it make अगर आप farmer के साथ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं और उनके साथ में काम कर सकते हैं, तो क्या difference होता है? एक छोटी सी film में आपको दिखाएंगे. Look at the difference in the picking. Actually, it is very easy to pick this ball, because this ball, the plant is very in it, and she, that's why how easy it is to pick from here. She doesn't have to bend, she doesn't have to strain, and no injury to the body. She can do it very fast, and she is very happy picking in this farm compared to the farm. इस साल मैं आपको महाराष्ट्र के 50 गांव ऐसे दे सकता हूं, आप जो बोले वो कपास का सोइंग होगा, आप जैसे बोले वैसे हम चुन के देने के लिए तैयार है, आप जहां बोले वहां हम डिलीवरी देने के लिए तैयार है. कोई हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार है क्या? 50 गांव का पूरा माल उठाने का एग्रीमेंट आज मंजीत कॉटन. आप वो सीट कौन सा देना चाहते हैं? सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो. आप मेरी एफपीओ है, आप इंडस्ट्री है, ये किसान है, हम तीनों मिलके तुमको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सारी चर्चा अगर करेंगे तो ही स्ट्रक्चर इस देश में. हाँ, अगर ये 50 गांव वाले कंटामिनेशन लेस कॉटन देते हैं, जिसमें कि अपने पिकिंग से लेके फैक्ट्री में लाने तक अगर विदाउट कंटामिनेशन की कॉटन देते हैं, तो मैं 200 रुपये का तो उसका प्रीमियम दे सकता हूँ आज ही. नंबर वन. नंबर टू, अगर एक टाइप की क्वालिटी 31 mm अगर लगाते हैं, तो उसका अलग से 200 रुपये कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है. ऐसा करके 400 से 500 रुपए कुंटल का प्रीमियम मिल सकता है, पर उसमें दो कंडीशन होना चाहिए. कंटामिनेशन लेस कॉटन होना चाहिए जी, और सेकंड उसका तुम्हारा लेंथ 31 होना चाहिए. अगर वो 31 नहीं है और कंटामिनेशन है, तो फिर आपको 200 रुपए तक का प्रीमियम देने की मैं गारंटी आज ही लेता हूँ. आप राइटिंग में चाहिए राइटिंग में ले लो. बहुत ही, और भले 50 गांव हो, बड़ा स्टेटमेंट है भी उस समय लेने. आज आपको इसकी वैल्यू समझनी चाहिए कि मंडी में रोज जिनर जाता है ना, तो 50 रुपया, एक मिनट, 50 रुपया क्विंटल के लिए वो कड़ी धूप में 3 घंटे नेगोशिएट करता है, 50 रुपया क्विंटल कम करने के लिए जिनर रोज एपीएमसी में जाके. आज पप्पू जी ने आज इतनी बड़ी बात बोल दी कि 200 रुपया प्रीमियम तो वो सिर्फ क्वालिटी का दे देंगे, कि कंटामिनेशन मतलब कपास के फाइबर को छोड़ के कुछ भी नहीं आना चाहिए. मिट्टी और पानी कपास उगाने के लिए जरूरी है, उगने के बाद बिल्कुल जरूरी नहीं है. तो अगर वो देता है किसान, तो 200 रुपए का प्रीमियम पर क्विंटल, और अगर 31
मिलीमीटर की लेंथ जो इस इंडस्ट्री की आज बड़ी रिक्वायरमेंट है वो देता है तो 200 रुपए का प्रीमियम। और सामने पाशा भाई ने ये बोला है कि 50 गांव का सीड आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा सीड आपकी क्वालिटी का कॉटन देगा। सो मैं अपने प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बताना चाहता हूँ, व्हाट वाज सीड इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड व्हाट वाज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स कॉस्ट। बिकॉज हम अभी तक सुन रहे हैं कि किसान के लिए यील्ड बढ़ाना किसान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चाहिए। तो क्विकली आई विल जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट इज़ द सीड इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस एंड उसके बाद फ्यूचर रेडीनेस के लिए हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। एग्रीकल्चर 4.0 जो आप लोग सब सुन रहे होंगे डिजिटाइजेशन के बाद, हाउ डू यू इंटीग्रेट डिजिटाइजेशन इन टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज एंड देन एग्रीकल्चर बाय डिज़ाइन। ये मैं लास्ट ईयर के आपके कॉन्क्लेव के पेपर में पढ़ रहा था, द वाइट पेपर विच वॉज रिलीज्ड। सो मोस्ट ऑफ दैट विच वॉज डिस्कस्ड इन द वाइट पेपर आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू हाउ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। शी इज द CMD of Cotton Corporation of India, the apex cotton body of Government of India. Cotton Corporation of India has launched a scheme which is a collaborative scheme. We have taken on board all the profit-making public sector undertakings of the country. So far, 25 public sector undertaking has confirmed that they will allot a portion of their CSR budget to this scheme. Including ONGC, whose consent came yesterday. So such big PSUs who have very large CSR budgets have agreed to have already recognized this collaborative scheme, and they are all coming on board this year. And by this scheme, we hope that we'll be able to ensure that within a couple of years or maybe 3 years, every cotton farmer in this country will only harvest with the mechanized vacuum picking machine. But now I request Shri Atul Bhai Ganatra, President Cotton Association of India. The CA has been releasing the cotton crop figures every month. In coming months, which are the very important months of the arrivals, there are no arrivals. Today, 26th April, arrival is 36,000 bales. 26 April 2018, arrival was 118,000 bales. So per day we are short of 70,000-80,000 bales. This is justifying. Another thing, people ask question, how you justify your crop is less? We are here to say, our export will be 35% down compared to last year. Our imports of cotton will be 80% up compared to last year. Our arrival per day is the proof that crop is smaller. Our rate, cotton rate, which last year, 26th April, was 41,500 for 29 mm. Today, CCI is selling at 48,000 rupees 29 mm. This rate difference is justifying, everything is justifying. Shri Chandrasekhar ji will make the opening statement on discovering the economics of cotton to prevent poverty and to promote prosperity. तो ये जो policy support, investment support, research support जो चाहिए इस cotton क्षेत्र के लिए to benefit all the stakeholders, वो ये जो industry bodies है, trade bodies है, जैसे city है, जैसे CA है, इनका ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. Including, of course, the input suppliers, farmers organizations, ginning pressing factories, textile mills, trade associations, industry associations. On all of them, there's a huge amount of responsibility. For I think we need to think ahead, look at the challenges of the next 7, 8, or 10 years. There are opportunities, there are challenges. Opportunities are going to bring huge amount of benefits, but opportunities are not going to be available on a platter. Uske liye hame kaam karna hai, wo chunautiyon ka samna karna hai, wo jo bhi chunauti hai uska jo bhi hal nikalna hai hame, and uske baad hi hame vijay hasil hoga. Therefore I want to caution this house, don't take cotton crop for granted. We need to work very consciously towards the success of the cotton sector. जो पिछले 8-10 साल में जो भी हासिल किया है हमने, वो हम शायद खो सकते हैं आगे 7-8-10 साल में. But I think we can't afford
to lose the momentum of cotton production, cotton consumption, and cotton export. And therefore, I think all the trade bodies, industry bodies have to work together, prepare a perspective plan, go to the policymakers, make sure that the policymakers accept a blueprint for action, a blueprint for a policy environment, for investment, and for research dollars to be spent for strengthening the Indian cotton sector to become globally competitive. Thank you very much. Good luck and God bless you all. See, Ghimatex is an integrated textile player, and we thought we are located in the center of India in the Vidarbh region, jahan bahut cotton availability tha. और सीड कॉटन में जो इकोनॉमिक्स है कि सीड्स भी जो एक उसका बाय प्रोडक्ट है तो उसका कंजम्पशन के लिए वी स्टार्टेड साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ सीड जो कि नॉर्मल ऑयल मिल्स में जो ईल्ड आती थी कि जो कॉटन का जो सरकी जो बोलते हैं उसकी जो 13% की ऑयल की ईल्ड आती है साइंटिफिक प्रोसेसिंग करने से 18% तक की ईल्ड आती है और जो प्रोटीन सोयाबीन से जो नॉर्मली 50% मिलता था सब लोग समझते थे कि कॉटन सीड से 37 से 45% तक की रेंज में प्रोटीन मिल सकता है So we have started a new plant which is giving up to 55% protein in cotton seed. Wow, excellent. So, yes, and we are exporting. The next obvious question would go to Sanjay Ji Jain, President of the Confederation of Indian Textile Industry. Sabhi mile hain, inke list mein hai, jinke ye president. What will attract investors as per you, scaling or profitability? Profitability if you're talking of spinning mills. Okay, fine. If you're talking of garments, scalability. Okay, so if it's spinning, it's profitability. If it's garment, it's scalability. More number of products or niche product? Investor, aapke hisab se investor kya dekhte hain? More number of products or niche product? Investor dono dekhte hain. Actually, this sir, dono ka choice hi nahi aapka. So fir niche products. Niche product. Okay. Investor look for niche product. Manji? Are you here? Please. He's from Motilal Oswal. Please, 1 minute. I'll show. Or be bahut sare investor friends hai. Suman ji, you have been tracking textiles in a very long time. Ab tak aap isme ek manje hue khiladi ho. Ek investor point of view se jo bhi industry ne bataya, to aapko kya lagta hai? Bahut hi traditional hai, purani hai, suljhi hui industry hai. Sanjay ji ne bataya. Ab kuch technical textile ki baatein hui. To what's your view? इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न देखते हैं तो जब देखते हैं तो रिटर्न जो कैपिटल हम लगाते हैं उसमें रिटर्न कम मिलता है तो इन्वेस्टर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसमें हम क्यों पैसा लगाएं जब हमारा कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ अगर 8 से 10% अगर आपका रिटर्न रेशियो है तो सबसे पहला कंसर्न वही आता है कॉटन की अवेलेबिलिटी भी है जहाँ क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलती है देन थोड़ा सा कंसर्न आता है कि ओवरऑल यार्न में सप्लाई बहुत बढ़ गया तो उसके कारण जो यान कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कम तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यान में और कुछ करना चाहिए हम लोगों को ग्लोबली हम लोग कम्पिटिटिव हो चाइना से स्केलेबिलिटी हमारी बहुत कम है जो जिस लेवल पे चाइना प्रोड्यूस कर रही है हम उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे बहुत से कंसर्न हैं तो ये सब देख के और दूसरा फोर्थ है जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस का बहुत इशू है जितने भी 2-3 बड़े बड़े प्लेयर हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो जो कैपिटल लगती है उसमें इन्वेस्टर को लगता है कि पैसा कंपनीज साइड में बनाती है तो ये सब कंसर्न है जो जो 1000 करोड़ का कैपेक्स है हो सकता है जो 1000 करोड़ कैपेक्स है वो एक्चुअली बैलेंस शीट में नहीं आता है तो ये सब कंसर्न है इन्वेस्टर का जो इसको ठीक करना पड़ेगा थैंक यू सुमन जी आशीष जी हंडे प्लीज वेलकम मैं आशीष शालिग्राम हंडे बुट्टीपुरी वर्धा डिस्ट्रिक्ट वर्धा डिस्ट्रिक्ट तहसील समुद्रपूर गाव शिवणफळ म्हणून या गावी शेती घेतलेली होती माझी 6 एकर शेती आहे तिथे आणि मी जेव्हा शेती करण्यासाठी जेव्हा तिथे केली आणि जी पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे माझे वडीलही करत होते मी माझे आजोबा पण करत होते आणि मी पण करत होतो तर मला एकरी माझा 3 ॲव्हरेज येतो 3, 5 किंवा 6 वलतीच्या जर केलं मी तर 6 पर्यंत पोचलेलो होतो ह्या माझ्या डोक्यामध्ये कल्पना चालू असताना मग मला अमृतरावजी देशमुख यांचा नंबर मिळाला आणि मी त्यांच्यासोबत संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी मला सांगितले की तुम्हाला मार्गदर्शन हवं तर कॉटन गुरु अमृत पॅटर्न मार्गदर्शन यांचा एक वर्कशॉप आहे वर्धेला यांचा प्रोग्राम झालेला होता तेव्हा मग मी तिथे त्या कार्यक्रमाला पोचलो आणि तिथे आपल्या मनात असणारा सर्व डाऊट आणि सर्व प्रकारे काय काय
विधी यांनी वापरलेले आहे आणि कशा प्रकारे आपलं उत्पन्न वाढवलेलं आहे यांचे पूर्ण यांच्यासोबत प्रश्न करून आपले मनातले समाधान करून पूर्ण घेऊन मी त्याच वर्कशॉप म्हणजे माहिती गोळा केली आणि आपल्या स्वतःच्या शेतीवर आलो आणि त्याच पद्धतीने ठरवलो त्याच दिवशी ठरवलो की आपल्याला यांच्या पद्धतीनुसार लावण करायची आणि योग्य यांच्याप्रमाणे उत्पन्न वाढवायचं. तर मग पुन्हा प्रत्यक्ष ऐकण्यात आणि प्रत्यक्ष कृती करण्यात हा खूप मोठा फरक असतो. तेव्हा माझ्या जेव्हा मी प्रत्येक स्टेपला जेव्हा करत होतो तो पारंपरिक पद्धतीने 2x2 लावण यांच्या 5x7 लावणी ह्या एवढं मोठं अंतर पाहून असं अवडव्य असं वाटत होतं. तेव्हा मी प्रॅक्टिकली करत होतो तेव्हा मला नकारात्मक म्हणजे माझ्या आजूबाजूचे परिसरातले लोक अक्षरशः माझी मूर्खात गणना करण्यात आली की जे हे अंतर आहे डिस्टन्स आहे कशा प्रकारे हे होईल का नाही होईल. म्हणजे आज आपल्या पिढीला काय नवीन गोष्टी जर सांगायच्या म्हटलं त्याला पहिला आधी नकारात्मक दृष्टिकोन सर्वात आधी असतो. कालांतराने त्याला तो परिसरामध्ये ते लागू होत होत एकाने केलं दुसऱ्याने केलं मग ते वाढत जात असते. तर असं करत करत मी ते लावलं आणि ते जे पद्धती आहे सूर्यप्रकाश कशाप्रकारे असतो झाडाला कशाप्रकारे आवश्यक असतो खताचे कशाप्रकारे नियोजन करायचे झाडाला फळबांधे कशाप्रकारे वाढवायचे आणि आपलं जास्तीत जास्त उत्पादन कशाप्रकारे घ्यायचं ह्या गोष्टी मला यांच्या थ्रू माहीत पडत गेल्या आणि मी ते प्रॅक्टिकल करत गेलो आणि मग कशाप्रकारे फवारणी करायची आणि कोणत्या खताचे नियोजन कोणत्या वेळेस झाडाला कशाप्रकारे लागतात हे सर्व गोष्टी मला या यांच्या वर्कशॉपमधून आणि अमृतराव देशमुख यांना कॉल करू मी त्यांना विचारले आणि यांनीसुद्धा मला कॉटन गुरु यांनीसुद्धा काही मार्गदर्शन करून त्यामध्ये मी आपलं उत्पन्न वाढवलं गेलं. ते यावर्षी मला 3 एकरामध्ये 62 क्विंटल कापूस झाला. के पशाभाई आप पशाभाई पटेल पशाभाई नाही आपण आशाभाई आहे. आशाभाई मीन्स इन्स्पिरेशन सब आपने जो किया है बहुत अच्छा काम किया सबको एनकरेजमेंट किया है. आज जो ये नई शुरुआत हुई है वो बहुत बड़ा शुभ चिन्ह है. आपने सबको इकट्ठा किया. मैं मनीष जी को भी बधाई देता हूँ कि ही हैज प्रूव्ड नॉट ओनली मनीष बट संस्कृत उन्होंने यूज़ किया था. मनीष को कहते हैं वेद में मनीषी. मनीषी मीन्स ऋषि. जो काम अपने किसान भाइयों के लिए होता है वो मनीषी काम है. उसी लिए मैं अभिनंदन देता हूँ ऐसे सबको बुला के सबका संगठन और आपको भी आशा भाई के तरफ बोलता हूँ खाली पशा भाई नहीं बोलता हूँ. थैंक यू. क्या बात है. आई एम टी के सेनगुप्ता. आई एम नेशनल प्रेसिडेंट टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड आई थैंक मनीष दागा फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स एंड वेरी सक्सेसफुल इवेंट्स मेड टूडे. आई एम श्याम माकरिया. I'm a cotton merchant. Name of my firm is Shaike Magzim LLP. I'm also on the board of Cotton Association of India. I'm also honorary treasurer of Cotton Association of India. And with this type of cotton conclave which is organized by Manish Daga ji, it's admirable. He is taking so much of care of farmers. He's fitting in our economy. Our country can become sone ki chidiya with this type of education to farmers. So I wish him all the best and all my support from my association and personally from myself. Yeah, this is Vineet Mohta. Representing Gimatex Industries Private Limited from Hingangat, and I thank Cotton Guru Manish Daga ji for holding such a wonderful event. Thank you. My name is Chandrasekhar. I'm an economist, senior editor and policy commentator. I want to compliment Manish Daga and Cotton Guru for organizing this Cotton Conclave 2019, second in the series. Congratulations for this fantastic cotton conclave established by Cotton Guru or Manish ji, who I have known for many years, very passionate about cotton, and has selflessly created this forum to ensure that all stakeholders come together to deliberate, discuss, understand and learn from each other. And this is the second edition, and I'm sure there'll be more and more results coming out, and it's a process. It's not a one-time thing. This evolution, this process has to continue, and all the best to all the stakeholders. Thank you. I am P.D. Patodia, the chairman of Committee on Cotton of CTCDRA. I must congratulate to the to Cotton Guru who has held this and IMC also. Thank you. Myself, Lalit Chandak. I am the president of South Gujarat Yarn Dealer Association. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं गॉड ब्लेस करे इस कॉटन गुरु के प्रोग्राम को. मनीष जी तो एक फरिश्ता बन के आए हैं इस कॉटन इंडस्ट्री के लिए.
उनको बहुत बहुत बधाई और हर एक कार्य में भगवान उनको सक्सेस दे, ये मेरी शुभकामनाएं। आई एम मिस्टर अनिल कुमार फ्रॉम कर्नाटका, अनिल कुमार एंड कंपनी। सो आई मस्ट थैंक मनीष भाई फॉर कंडक्टिंग दिस इवेंट। मैं अवधेश कुमार शर्मा द टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हूँ। मैं इंदौर से यहाँ आया था कॉटन गुरु की कॉन्क्लेव अटेंड करने। बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ ये कॉन्क्लेव करी गई। आज का प्रोग्राम जो कॉटन कॉन्क्लेव 2019 था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। और इसमें फार्मर को भी क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से खेती करके ये प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में अच्छा जानकारी दिया गया। और इसमें जो कॉटन जीनर्स है उनका भी रोल अहम रहा। थैंक यू। माईसेल्फ अजय सरदाना फ्रॉम ग्रासिम। I found this conference really useful and it's a great initiative by Mr. Manish. So as an complementary fiber to cotton, we find this conference very, very useful, and I would wish them very good for their next conferences. And one suggestion I have, that they can include the complementary fibers like viscose also for discussion in their next conference. Thank you so much.